नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ विजन टीवी में। मैं हूं आपके साथ नेहा। प्रदेश के ग्रामीण सड़कों को मुख्य सड़कों और जिला मुख्यालय से जोड़ने की योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनवाई जाती है, जिससे ऐसे गांव जहां आज तक आवागमन की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है, वहां भी लोग गुणवत्ताहीन सड़कों से ही होते हुए अपने तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय तक जा सके। लेकिन इन सड़कों के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यपालन अभियंता वरुण राजपूत अधिकारी और ठेकेदार राधे श्याम अग्रवाल आपसी मिली भगत करके सरकार को ही करोड़ों रुपए का चूना लगाने की फिराक में लग गए हैं। वह तो भला हो इस क्षेत्र के कांग्रेस के नगर अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप का की, जिसके संज्ञान में मामला आने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की, जिसके बाद निर्माण विभाग में हड़कंप मच गया है और विभाग के इंजीनियर और ठेकेदारों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। जो छत्तीसगढ़ शासन है, छत्तीसगढ़ शासन में जो सरकार बैठी वो कांग्रेस की बैठी है, और जो रोड बन रहा है ये नरेंद्र ढोंगी प्रधानमंत्री है, उस योजना का रोड है। तो जैसे नरेंद्र मोदी ढोंगी है, ढोंग से पूरा छल कपट से पब्लिक को परेशान कर रही है, उसी ढंग से ये रोड को बनवा के परेशान कर रही है। जो ठेकेदार है वो बीजेपी के हैं। पूरा मिट्टी जिसमें बेस में गिट्टी डालना है तो बेस में गिट्टी न डाल के ये लोग मिट्टी डाल रहे हैं, और कोटा के जो पड़ाव पारा से है, वार्ड नंबर 2 से जो रोड बन रहा है नवा गांव तक, ये करोड़ों रुपए का रोड है। तो बीजेपी की इसमें साठ गांठ है, और ये छत्तीसगढ़ के सरकार को बदनाम करने के लिए बेस गिट्टी ना डाल के मिट्टी डाल के रोड को बना रहे हैं, जिसमें आसपास में जो धूल धक्कड़ उड़ रहा है उसमें दमा के बीमारी बढ़ रहे हैं। न ठेकेदार आते, चलो ठेकेदार भाई ठेका लिया है लीगल तरीके से, वो तो रोड बना रहा है, उसको जितना बच जाए हराम का वो अपने बचाने के चक्कर में मिट्टी डाल रहा है। मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ से शासन से जो प्रधानमंत्री योजना का जो रोड बन रहा है, क्या उसके अधिकारियों को सरकार तनख्वाह नहीं देती क्या? तनख्वाह देती है, लेकिन वो लोग क्या सवेरे से मेंटेन करते हैं, सरकारी कार में डीजल डलाए कभी रिसॉर्ट घूम रहे हैं, कभी कोटा के डैम घूम रहे हैं, औरा पानी घूम रहे हैं, लेकिन ये क्या है, हराम का कमीशन लिए होंगे साइड में नहीं जाने के लिए, ऊपरी पैसा मिला होगा कि साइड में गुणवत्ता चेक ना करें, इसलिए मनमाने ढंग से ठेकेदार रोड बना रहा है। और बड़े दुख की बात है कि हमारे आज सांसद महोदय अरुण साय भी हैं, क्या उनको पता नहीं है कि किसका ठेका है, कैसे प्रधानमंत्री योजना के रोड को गंदे ढंग से बना रहे हैं? तो उसमें कार्रवाई करना चाहिए। और जो अधिकारी हैं इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, हराम का इनको तनख्वाह मिले, हराम का ऊपरी कमाई मिले, और हराम का खाने का जब आदत है तो कोई में गुणवत्ता क्यों चेक करेंगे? तनख्वाह मिल रहा है 70,000, 90,000, 80,000, लाख रुपए इनका तनख्वाह मिल रहा है, ऊपरी कमीशन मिल रहा है। इसीलिए कोई भी चीज़ में सरकारी जो चीज़ है बन रहा है वो ऐसी गुणवत्ता विहीन बन रहा है। देखिए, मैं तो बार बार यही बोल रहा हूँ ना कि लोगों को खाओ खसोट का आदत पड़ गया है, चाहे अधिकारी हों चाहे ठेकेदार हों, हराम का ठेका ले लिए हैं और मिट्टी में रोड को बना रहे हैं। और जिनका ड्यूटी और जिनको नियम से कार्य को करना है, इंजीनियर हो कि यहाँ के अधिकारी हों, उनको मतलब नहीं है, क्योंकि उनको हराम का डीजल और गाड़ी का साधन मिल गया है, घूम रहे हैं, फैमिली वालों को डोहार रहे हैं, और तनख्वाह मिल रहा है हराम का बैठे बैठे। कोई बोलो तो बस कोरोना का बहाना, साइड में जाना नहीं, जा रहे हैं तो वहाँ पार्टी मना रहे हैं, मुर्गा दारू खा रहे हैं, आ रहे हैं ठेकेदार सब व्यवस्था कर रहा है। जिले में सड़क बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। 6 महीने पूर्व राज्य सरकार के धन से बनी सड़क पर ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नया निर्माण दिखाते हुए करोड़ों रुपए के सरकारी धन का बंदरबांट कर लिया गया, जिसमें पहले से ही बनी सड़क को पुनः इस योजना में शामिल करते हुए बिना कोई कार्य कराए ही पैसे का भुगतान दिखाकर बंदरबांट कर ली गई और सड़क वैसे ही बनी रही जैसे पहले थी। वहीं इस घोटाले को लेकर तरह तरह के सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा मिलीभगत करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इनके द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। जिस रोड में मुरुम डलना था उस रोड में पीली मिट्टी का इस्तेमाल करके उस रोड को बनाया जा रहा है, और आप खुद देख सकते हैं कि पूरे मोहल्ले में इतना धूल धक्कड़ उड़ रहा कि यहाँ पर के मोहल्ले वाले को रहने में बहुत तकलीफ हो रही है। और कोई भी अधिकारी साइड में, एक भी अधिकारी ना इंजीनियर ना उनके द्वारा किसी भी टाइम कीपर उपस्थित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण साहु, क्या उनसे चर्चा की इस विषय में? उनके अपने माध्यम से उनको शिकायत कर चुका हूँ कि भाई ठेकेदार द्वारा
बहुत गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, भविष्य में इस सूचना उनको दे दी जाएगी। पीली मिट्टी डाली जा रही है, आप रोड में देखेंगे तो इस विषय में क्या कहने, आने वाले समय रोड दब सकती है किसी दुर्घटना? नहीं, वो तो गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, मैं तो पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि भाई जबकि इसमें दानेदार लाल मुरुम का उपयोग किया जाना है और ठेकेदार द्वारा आप देख रहे हो कि पीली मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर्चे बता दीजिए। मैं ऋषि सिंह ठाकुर, कौन से पद में? भाजपा युवा मोर्चा। इस तरह से घोटाले का मामला आया सामने। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के नाम पर जिले में चल रहे भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आया है, जिसमें क्रियान्वयन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बैठे लापरवाह अधिकारियों की मिलीभगत के चलते पहले से बनी सड़क को दूसरी योजना में शामिल कराकर करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। बताते चले कि कोटा तहसील क्षेत्र में पांडा पथरा से कोटा नवागांव तक 16.7 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण को लेकर ग्रामीण काफी दिनों से आंदोलित थे, जिसमें मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बिलासपुर के मुख्य अभियंता ने सड़क घोटाले की जांच शुरू की है। लेकिन एक महीने बीत जाने के बाद भी ना तो कोई जांच पूरी हुई और ना ही इस घोटाले में शामिल आरोपियों पर कोई कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर कोटा से रितेश गुप्ता, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।